अगर कभी जंगल के ये दो खतरनाक और ताकतवर शिकारी टाइगर और ब्लैक पैंथर के बीच लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? एक टाइगर की वाइट फोर्स 1050 PSI का होता है, वहीं दूसरी और एक ब्लैक पैंथर का वाइट फोर्स 1500 PSI तक का होता है। एक टाइगर की शरीर की लंबाई 10 फीट तक होता है, वहीं एक ब्लैक पैंथर के शरीर की लंबाई 7 फीट तक होती है। अगर बात इनका वजन का करें तो एक ब्लैक पैंथर का वजन 100 से 160 केजी तक होता है, वहीं एक टाइगर का वजन 100 से 300 केजी तक पाया गया है। लेकिन एक ब्लैक पैंथर टाइगर से कम ताकतवर और छोटा होने के बावजूद भी अपने से बड़े आकार के टाइगर को मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि एक ब्लैक पैंथर का शरीर काला रंग का होता है, जिसके वजह से उन्हें अपने दुश्मन से छिपने और उन पर हमला करने में मदद मिलता है। इसलिए ब्लैक पैंथर हमेशा रात को ही शिकार करते हैं। लेकिन टाइगर के लिए दिन हो या रात, वो दोनों टाइम लड़ाई कर सकता है। और ये टाइगर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि टाइगर की एक पंच से किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन रात की लड़ाई में ज्यादातर जीतने की संभावना ब्लैक पैंथर की है। खैर, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।